मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने ओबीसी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर 2022 में उनकी पार्टी का कैंडिडेट हार रहा हो तो वो सीने पर हाथ रखकर कह दे कि उसे समर्थन दे दो जो भाजपा को हरा रहा हो, अगर हिम्मत है तो कह के बताए सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहे हैं। हम तो अपने मुसलमान भाइयों से ये अपील करते हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए जैसे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने उन्हें नकार दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था ओबीसी केवल वोट काटने की राजनीति करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यूपी के मुसलमान भी करेंगे। मुसलमान के अब तो अस्तित्व का सवाल हो गया है, वो अब कैसे बट जाएगा। दरअसल पिछले कई दिनों से ओबीसी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर सपा में खलबली का माहौल बना हुआ है, जिसका नजारा आज मुरादाबाद में उस समय देखने में आया जब सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन मीडिया से बात कर रहे थे। ओबीसी आज जनपद संभल और मुरादाबाद में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। और संभल में जो है वो अपने कार्यालय का उद्घाटन करके आपके क्षेत्र में आएंगे, नवाब मज्जू खान साहब की जो है मजार पे भी चादर चढ़ाएंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले भी वो काफी अपना माहौल बना चुके थे और अब वो जिस तरह से दौरा कर रहे हैं एक बहुत बड़ा माहौल उनका क्रिएट हो चुका है। देखिए, आप सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया, क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि ये लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सांसद जी, जो आप कह रहे हैं कि बंगाल का आप नाम लेकर के आप बता रहे हैं, लेकिन बिहार में जो है असदुद्दीन ओवैसी का एक बहुत बड़ा रोल देखने मिला था, अब यूपी के अंदर भी वो इस तरह से जैसे बिहार उसी, के अंदर उसी बिहार से सबक दिया है बंगाल के मुसलमानों ने, और उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी उसी से सबक ले रहे हैं, और अब बटने वाले नहीं हैं। मुसलमान के तो अपने एग्जिस्टेंस का सवाल आ गया है, कैसे बट जाएगा वो। उनकी अगर इतनी हिम्मत है तो कह दें कि बीजेपी को हराऊं। तो क्या आपको लगता है कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला।